हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनंतिका सिंह हानिया। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पहले से रहे हो तो थैंक यू सो मच। सो गाइस, अभी ये जो छोटा सा किचन है हमारा, इसमें हमारा भाई आलू का भुजिया बना रहा है, छोटा भाई गाइस अरुण। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ला 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 ला। सो गाइज, यहाँ पे ये आलू का भुजिया काट रहा है। ओ माई गॉड, वो भी चाकू से। गाइज, अरुण भैया आज आलू का भुजिया बना रहा है परी, पता है। हाय बुनो, बुनो हाय, परी हाय, परी हाय तो बोलो। गाइज, ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, इधर दिखाती हूँ मैं, इधर फोकस करने दो पहले। अरुण, अरुण जी जरा अच्छी अपना थोबरा तो दिखा दीजिए। ऐसा नहीं करो ना जैसे कि तुमको कोई जानता नहीं है। ओ माय गॉड, भाई तो दिखाइए चेहरा। गाइस, ये सबूत भी है कि दादी को दिखाना पड़ता है ना, कि देखो ये देखो आलू का भुजिया गाइस, वो भी आलू छील के काटा हुआ है। ठीक है, जब तुम बना लेगा तो हमको भी खिला देना थोड़ा सा, ठीक है। गाइस, ईयरफोन के साथ में फिल्म देखता है, देख लो। फिल्म नहीं देखता है, गर्लफ्रेंड से बात करता है। गाइस देखना, देखना तो दो। यूट्यूब पर क्या देख रहा था? गाइस यूट्यूब है ना, देखो 2 बज रहे हैं अभी, रुको मैं दिखाती हूँ ठीक से। एक तो इसका फोन में ना एक अजीब सा ही सिस्टम है, खुल जा भाई। ओहो गाइस, ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बिहारी आलू भुजिया, कुरकुरे आलू फ्राई रेसिपी, ओ माय गॉड। गाइस ये देख रहा है अभी यूट्यूब पे, ठीक है। और इसका फ़ोन 5% चार्ज है, आप जैसा कि देख सकते हो, और इसमें ये आलू का भुजिया देख रहा है। भाई तुमको आलू का भुजिया बनाने नहीं आता है? आता नहीं, कितना मर्द बनाया लेकिन भूल गए थे। और नॉर्मल आलू का भुजिया बनाने के लिए ये यूट्यूब पे रेसिपी देख रहा है। अब गाइस मुझे देखना है इसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं, रुको। आई एम टीका सिंघानिया, ओहो एक तो आई एम टीका सिंघानिया आ जाता है गाइस, ये दिस इज़ वेरी वियर्ड। आई एम टीका सिंघानिया नहीं आएगा मुझे लगता है, मेरा नाम सर्च करना नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रुको। आई एम टीका, अरे भगवान, मुझे लग रहा है इसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ओ भैया, हाँ जी चलो यही अवंतिका करके देख लेते हैं, मेरा वीडियो तो आ ही जाता है। हाँ जी आया तो, ए भगवान, सच में अरुण तुम हमको सब्सक्राइब नहीं किया है? नहीं किया है। ये देखो तो, अरे बाप रे, घर का वेदी लंका ढाए गाइस, ये क्या है? अरुण तुमसे ये उम्मीद नहीं था हमको यार, लेकिन तुम मेरा दिल तोड़ दिया। गाइस जिसको ऐसे करके ऐसे सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, और इधर से बेल आइकॉन ऑन कर लो, उसके बाद मेरा वीडियो देखो, ये वाला देखते चलो। अरे मैंने भी ईयरफोन में लगा हुआ है, गाना भी नहीं सुनाई दे रहा, बट कोई बात नहीं, सबको लाइक करते ठीक है, ऐसे करके पूरा वीडियो देख के लाइक करना, ठीक है। ठीक है, अगर इसके बाद अनसब्सक्राइब हुआ गाइस तो इसी चाकू से तुम्हारा मर्डर करेंगे, समझ जाओ। गाइस आप लोग भी प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लिया करो, इसकी तरह मत बनो ठीक है। अब आओ हम तुमको आलू का भुजिया का रेसिपी बताते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो ठीक है, क्योंकि बुरा लगता है गाइस हमको। गाइस झूठ बोल रही है, जानबूझ के सब्सक्राइब किए हैं हम, अनसब्सक्राइब किए हैं तुम, नहीं तुम नहीं, हम अभी भी देखे हैं। हाँ गाइस, इसका कहना है कि इसने अपने नए आईडी, मतलब ये नया आईडी बनाया है, उससे इसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मेरा कहना ये है कि तुम नया आईडी बनाया तो तुम उससे पहले हमको सब्सक्राइब करो, बाद में कोई और काम करो। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। सो गाइस अभी बुनू रो रहा है क्योंकि बुनू को यश ने मार दिया है ना। यश खिलाना नहीं, इसका कान देख लो यार, इधर से अंधेरा आ रहा है, रुको ऊपर आने दो अच्छे से। तुम यार बुनू को क्यों मारा है? बुनू अभी रो रहा है देखो तो। नहीं मुझे वो कान से भी आती चुकी, क्योंकि मैं वहां पर रीता पला था ना, तो जो फूल रहा था सीधे फूटा था ना, तो इतना खड़ा था सीधे से बुनू गिरा एकदम। हां उसके पैर पर ईंटा गिर गया है। ए वैसे ही जब कार्टून में भी होता है ना, जब गिला ना तो 5 सेकंड पहले उसके बाद ही लगने लग गया।
कार्टून में ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, जब तक उसको पता चलेगा कि भाई हमको चोट लगाया था, इंसान रोएगा भी नहीं। अब गाइस गौरी मार्केट गई थी और मार्केट से भी आ गए और मैं उस टाइम से बैठकर टीवी देख रही हूँ और इधर छोटू को देखो क्या कर रहे हो। और हमारे ना इधर ना देखो सिर्फ इतना ही जगह बचा हुआ है, इसके यहाँ तक पंडाल लगा हुआ है गाइस, तो हमें ना इस रास्ते से जाना पड़ रहा है। बताओ इतना बड़ा रोड छोड़ के हम पतली गली में घुस के जाते हैं अगर है कि नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे क्योंकि मुझे हॉर्लिक्स बनाना है, और ऐसे तो मुझे चाय बनानी थी लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा हॉर्लिक्स पीने का मन कर रहा था। और अब एक बात बताओ, हमारे घर में जो बॉर्नविटा का डब्बा रखा हुआ था, भरा हुआ डब्बा था, और वो एक्सपायरी हो गया। ऐसे बहुत बड़ी बेइज्जती है हमारी क्योंकि वो मतलब दिसंबर में एक्सपायरी हुआ और मुझे जनवरी में याद आ रहा है कि भाई चलो बॉर्नविटा पीते हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। तो सो गाइस मैं अपनी हॉर्लिक्स इंजॉय कर रही हूँ और इसमें मुझे लग रहा है मैंने बहुत ही ज़्यादा पानी रख दिया है, पर कोई बात नहीं, बहुत गर्म है तो मैं अभी इससे नहीं पी सकती। देख सकते हो धुआं भी निकल रहा है, पर अभी मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं आपको मौसम दिखाऊं, ये देखो देख लिया, तो काफ़ी प्यारा मौसम है और अच्छा लग रहा है। तो मैं अपनी हॉर्लिक्स इंजॉय करती हूँ, हॉर्लिक्स कम पानी लग रही है पर कोई बात नहीं, अच्छा मतलब ठीक है। ऐसे मैं ना ये पाउडर वाला मतलब पैकेट वाला कभी पीती नहीं ना, तो मुझे अंदाज़ा था नहीं कि इसमें कितना बनता होगा। पर कहते हैं ना कुछ चीज़ें मतलब जो चीज़ आपके पास होती है उस टाइम पे उसकी कदर नहीं होती है, और जब चली जाती है तब आपको उसका एहसास होता है। तो मेरे साथ वही हुआ है, जब मेरे पास बॉर्नविटा था तो मुझे उसकी कदर नहीं थी, मैं उसको पीती नहीं थी गाइस। मतलब हर रोज़ मैं डांट सुनती थी कि बॉर्नविटा पी लो, मतलब पी लो, और मैं नहीं पीती थी। और आज जब मेरा पीने का मन किया तो बॉर्नविटा ने मुझे धोखा दे दिया क्योंकि वो एक्सपायरी हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। सो गाइस मैं अभी बना रही हूँ आलू नहीं गोभी मटर की सब्ज़ी, क्योंकि क्या है ना हमारे पड़ोस में एक और शादी है, मतलब जो कल शादी थी वो शादी नहीं, ठीक है, एक और दीदी की शादी है तो थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से हम भोज खाने नहीं जा रहे हैं। मतलब आलोक, अरुण या छोटू बुनू, यानी कि हमारे घर का जो जेंट्स है वही जा रहे हैं भोज खाने, हम लड़कियों को नहीं लेके जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे मैं भी अपने मेरे लिए, छोटी मम्मी के लिए और कनक के लिए, तीन जाने के लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, ठीक है। और पराठा बना हुआ था शाम को, हम लोग पराठा या फिर चूड़ा, मतलब चूड़ा सब्जी खा लेंगे और पराठा सब्जी भी खा लेंगे, और नहीं नहीं चावल बाय द वे गाइस, हाँ चावल भी है तो हमारा काम चल जाएगा। वो लोग भोज खाएंगे, हम यहाँ पे चावल सब्जी खा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। तो मैं भी चावल सॉरी सब्जी बना रही हूँ। सो गाइस रात हो गया है, हम जा रहे हैं सोने, और आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया आई नो, पर क्या है ना कि पड़ोस में हमारे शादी भी है, आप लोगों को तो पता ही है, तो गाना वगैरह बज रहा होता है ना, तो कुछ मतलब समझ नहीं आता कि कैसे बोलूँ कि गाना ना जाए, बट ठीक है, इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती आज, मतलब आज नहीं किया। और हमारे पड़ोस में सरस्वती पूजा भी हो रहा है, उसका डेकोरेशन भी आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि कुछ ज़्यादा अभी तक नहीं किया है इन लोगों ने। मतलब अब रात है, पूरे बच्चे ना गाइस हमारे मोहल्ले के जितने भी लड़के हैं, ठीक है, वो सब रात भर जग के डेकोरेशन करने वाले हैं। मतलब रात भर तो नहीं जगेंगे, मे बी एक बजे डेढ़ बजे तक चले जाए अपने अपने घर, पर मतलब जगने वाले हैं। तो दिन में कुछ नहीं किया है, सब रात को ही करेंगे, तो इसलिए नहीं दिखाया, तो कल दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में। सो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, क्योंकि अब तो जा रही हूँ सोने। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। एंड आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।